नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। फर्श पर चटपटाती गर्भवती का वीडियो बनाने वाली महिला कर्मी को हटाया गया। जिला महिला अस्पताल की प्रसव कक्ष में मंगलवार रात गर्भवती फर्श पर पड़ी दर्द से छटपटाती रही और स्टाफ नर्स उसे देखने की बजाय वीडियो बना रही थी। मामले में सीएमएस ने वीडियो बनाने वाली महिला स्वास्थ्य कर्मी को प्रसव कक्ष से हटाकर बाद में लगाया है। साथ ही वहाँ मौजूद रहे सभी स्वास्थ्य कर्मियों से स्पष्टीकरण की मांग की है। मोहल्ला खजूरिया बाग निवासी अजय की पत्नी मौनी उम्र 29 वर्ष को मंगलवार रात प्रसव पीड़ा हुई। पति उसे लेकर जिला महिला अस्पताल पहुंचा था, जहां पर वह प्रसव कक्ष में दर्द से छटपटाती रही थी, लेकिन किसी स्वास्थ्य कर्मी और स्टाफ नर्स ने हाथ नहीं लगाया। किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दी थी। गर्भवती के पति ने स्वास्थ्य कर्मियों पर रुपए मांगने का भी आरोप लगाया था। महिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर अरविंद कुमार आनंद ने बताया कि वीडियो बना रही महिला स्वास्थ्य कर्मी को प्रसव कक्ष से हटाकर वार्ड ड्यूटी में लगाया गया है। घटना के समय ड्यूटी पर तैनात सभी स्वास्थ्य कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा है। प्रसूता के एचआईवी संक्रमित होने के बाद की सार्वजनिक आया निलंबन। एचआईवी संक्रमित महिला का शुक्रवार को जिला महिला अस्पताल में सुरक्षित प्रसव कराया गया। इसके बाद वार्ड में शिफ्ट किया गया। वार्ड की आया ने प्रसूता के एचआईवी संक्रमित होने की जानकारी उसके परिजनों और रिश्तेदारों को बता दी। गोपनीयता भंग होने पर प्रसूता रोते हुए सीएमएस डॉक्टर अरविंद आनंद के कार्यालय पहुंची और उनसे शिकायत सीएमएस ने आया को निलंबित करते हुए स्पष्टीकरण तलब किया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।